त्यौहार जय आदिवासी जय भीम। नमस्ते दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद भोपाल पहुंचने के बाद भोपाल जाकर STSC और OBC को ये संदेश दिया है कि आप संगठित रहो, एक हो जाओ। और चंद्रशेखर ने आज़ाद ने यह भी कह दिया कि दोस्तों आप कमज़ोर क्यों हो, जो लोग दूसरों की सरकार बना सकते हैं। दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बड़ी बात की है कि STSC और OBC के लिए खास तौर ये इनके लिए इम्पोर्टेंट बात है। जो लोग दूसरों की सरकार बना सकते हैं वो खुद की सरकार क्यों नहीं बना सकते, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि हम लोग धर्म और हर पार्टी में बटे हुए, तो हम लोगों को एक नहीं होने दिया जा रहा है। तो दोस्तों हमें यह इस संदेश से और इस पोस्ट से यही संदेश मिलता है कि हम एक हो जाएं। प्रदेश में ST और OBC मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, STSC मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, यदि आदिवासी समाज तैयार हो तो हम प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बना देंगे, ये हम कामना करते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बड़ी बात कही है। आदिवासी समाज से भी आह्वान किया है, जय संगठन से भी आह्वान किया है, और जितने भी आदिवासी परिवार और दलित STSC OBC के जितने भी संगठन हैं उनसे ये अपील की है, आप एक मंच से पे आ जाइए और हम सब एक होकर संविधान को बसाने और हमारे जो हक अधिकार की लड़ाई है उनसे हम लड़ने की कोशिश करेंगे, और हमें हमारी जो एकता है वो हम बताएंगे। दोस्तों एक गोंडवाना राज के युवा ने बड़ी चुनौती दे दी है करनी सेना को। दोस्तों आरक्षण को लेकर किस तरह से गोंडवाना राज्य के युवा जो बढ़ चुके हैं करनी सेना पर, तुम क्या गर्दन काटोगे, एक बार यहाँ उन साथियों की तहर देख लीजिए, हम पूरा माहौल बदल देंगे। इसी मंच में इसी जगह कल डिलीस्टिंग वाले बीजेपी RSS के लोगों का कार्यक्रम था, उन डिलीस्टिंग वाले को भी इस मंच के माध्यम से बीमारी के बैनर तले जय स्वामी जी महासभा गोंडवाना के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। साथियों बैठ जाओ, दिलीप सिंह वाले को भी बैठ जाओ, साथियों बैठ जाओ, बाबा साहब से बच्चे आए तो बैठ जाओ जल्दी से। चेतावनी देना चाहता हूँ दिलीप सिंह वाले को भी कि तुम आदिवासियों को क्या हिंदू बनाओगे, आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, आपको इस धरती से खत्म करके भगाने वाले लोग हैं। इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं साथियों, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है, ये जो धरती है आदिवासी भाई और STSC और OBC भाइयों से यही मैं कामना करता हूँ और यही आशा अपेक्षा करता हूँ कि अपनी अपना पावर अपनी एकता को हमेशा बनाए रखें, ताकि हमारे STSC और OBC के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करे और आंख उठाने की कोशिश न करें। जय जोहर, जय आदिवासी। मूल मालिक है, हर क्षण हमारी हिस्सेदारी है, तुम क्या छीनोगे,